पवन की इस परफॉर्मेंस को सुनकर भावुक हो गए जज हिमेश जी। जी हाँ, और दे दिया इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट। आइए जानते हैं क्या क्या कुछ हुआ इस खास एपिसोड में, इस पूरी स्टोरी में। नमस्कार दोस्तों, आपने लॉग इन किया है बॉलीवुड झमेला। तो दोस्तों, आइडल के इस बार के दोनों ही एपिसोड बिल्कुल ही नए और अलग होने वाले हैं। जहाँ पहले एपिसोड में इंडिया की फरमाइश होगी, तो दूसरे एपिसोड में एचआर का सुरूर होगा और मंच पर आएगी सोनू कक्कड़ बतौर मेहमान। और अब आते हैं स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस को लेकर पवनदीप राजन। पवन ने हिमेश जी का वो गाना चुना जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं, तेरे नाम। और इस गाने को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से निभाया कि हिमेश जी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आप किसी भी गाने को इतने अच्छे तरीके से फील लेकर निभाते हैं कि वो दिल तक आ जाता है और फिर आंखों के रास्ते बाहर आ जाता है। अनु मलिक भी कहते हैं कि आपके जैसे कंटेस्टेंट बहुत टाइम बाद मिलते हैं। तो इस तरह इस परफॉर्मेंस ने सभी का दिल जीत लिया और एक बार फिर से पवनदीप राजन ने यह साबित कर दिया कि वो क्यों इंडियन आइडल सीजन 12 की ट्रॉफी के सबसे पहले हकदार हैं। क्या हमारी तरह आपको भी लगता है कि पवनदीप राजन इस ट्रॉफी के सबसे नज़दीक हैं? आपकी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब नाउ।